आदाब, नमस्कार मित्रों। आईटीएम विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा आयोजित उर्दू साहित्य का ये प्रतिष्ठित सालाना जलसा के साथ, उसके अगले अंक के साथ आज हम फिर उपस्थित हैं, फिर हाजिर हैं। इस बार का अंक थोड़ा विस्तारित अंक है, क्योंकि इसमें हमने पूरी दुनिया के हमारे जो इस समय के महत्वपूर्ण रचनाकार हैं उनको जोड़ने की कोशिश की है, और इसका नाम है इबारत सरहद पार। आप जानते हैं कि आईटीएम विश्वविद्यालय विश्व स्तरीय शिक्षा के लिए जाना जाता ही है, लेकिन वो कलात्मक सक्रियता बल्कि संगीत, साहित्य और दूसरी विधाओं में भी वैज्ञानिक स्तर पर, शोध पर, कार्यक्रम पर और अन्य पहलुओं पर जिस तरह से स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होते हैं, उसी श्रृंखला में ये इबारत जो है ये एक महत्वपूर्ण आयोजन है, जिस पूरी दुनिया से लगातार प्रेम और समर्थन इसे मिलता रहा है। तो इस अंक में आज हमारे साथ हैं भारत से उर्दू अदब के बहुत अहम नाम, बड़े आलोचक, बड़े शायर, और मैं ये कह सकता हूँ कि समकालीन उर्दू गज़ल का एक अहम तरीन नाम, जिस पर हम खुश भी होते हैं उस नाम से और फख्र भी करते हैं, वो नाम है जनाब फरहत एहसास का। हमारे साथ आज इस अंक में हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। फरहत साहब, आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा नाम जो मैं लेने जा रहा हूँ वो भी हमारी आज की दौर की जो शायरात हैं उसमें जो एक आला मकाम रखने वाली चंद नाम है, उनमें से बड़ा अहम नाम है इशरत आफरीन साहिबा का। अमेरिका में रहती हैं और पूरी दुनिया में अपने लहजे के लिए और अपने कंटेंट के लिए, अपने डिक्शन के लिए अलग से पहचानी जाती हैं। मैं आज इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करता हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। हमारे अगले शायर हैं अमेरिका से ही डॉक्टर नौशा असरार, जो पेशे से साइंटिस्ट हैं और एक बहुत खूबसूरत दिल के मालिक और एक बहुत अहम शायर हैं। मैं उनका भी इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे अगले शायर दोहा कतर से हैं, भाई अजीज नबील, एक अहम शायर हमारी आज की इस जदीद उर्दू शायरी का। अजीज नबील साहब आज इस विशेष अंक में हैं, मैं उनका भी दिल से इस्तकबाल करता हूँ। अजीज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा, ये बहुत अहम तरीन रचनाकार आज हमारे साथ इसमें हैं। लेकिन मैं एक बात यहाँ ज़रूर अर्ज करना चाहूँगा कि आज का दिन हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत विशेष दिन है। आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बहुत इज्जत के साथ याद करते हैं, उन्हें दिल से याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं, उनसे प्रेरित होते हैं। ये एक ऐसा महान विराट व्यक्तित्व है, ऐसा समन्वयवादी विराट व्यक्तित्व हिंदुस्तान की इस अजीम धरती ने दिया पूरी दुनिया को, कि जिस पर पूरी दुनिया फख्र आज भी करती है। हमें बड़ी खुशी होती है कि जब दुनिया के महान वैज्ञानिक आइंस्टीन का ये लिखा हुआ पढ़ते हैं कि आने वाली नस्लें मुश्किल से इस बात पर यकीन कर पाएंगी कि हाड़ मास का एक ऐसा पुतला धरती पर पहले हुआ था, हमारे लिए कितनी गौरव की बात है। बापू ने अहिंसा और प्रेम का जो पाठ पढ़ाया वो हमारी पहचान है, हमारी सामाजिक ताने बाने की बुनियाद है। इससे इसलिए हम आज के इस जलसे की शुरुआत एक ऐसे ही विषय पर वक्तव्य से, विवेचन से करना चाहते हैं, जिसका विषय है प्रेम का व्याकरण और अहिंसा। और इस विषय पर एक महत्वपूर्ण वक्तव्य देने के लिए
हमारे आज के दौर के सुपरिचित नाम, सुपरिचित चिंतक, विचारक, संस्कृति कर्मी, कलाधर्मी श्री सोपान जोशी से बेहतर नाम क्या हो सकता था। हमने उन्हें आग्रह किया और उन्होंने स्वीकार कर लिया, इस बात को उनका बहुत आभार। मैं बहुत इज्जत के साथ सोपान भाई से आग्रह करता हूँ कि कृपया पधारें और प्रेम का व्याकरण और अहिंसा इस महत्वपूर्ण विषय पर अपना वक्तव्य दें। भाई सोपान जोशी, आप सभी को नमस्कार। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति को प्रणाम। शहीद दिवस मनाने की रीति रिवाज में कविता पाठ सुनने में नहीं आता है, इसलिए जब शहीद दिवस पर आईटीएम यूनिवर्सिटी ने भारत का 13वां संस्करण रखा तो पहले अचरज हुआ, फिर लगा कि गांधी जी को याद करने का यह कितना सुंदर तरीका है कि हम आज के दिन चार अच्छे शायरों को सुने। गांधी जी ने कभी कविता लिखी या नहीं यह मुझे पता नहीं है, लेकिन कविता सिर्फ लिखी नहीं जाती है, उसे जिया भी जाता है। महात्मा गांधी ने अपने जीवन को एक कविता की तरह जिया। अनायास ही वे अपने पीछे एक महाकाव्य छोड़कर चले गए। शहीद दिवस को आईटीएम यूनिवर्सिटी ने एक सृजनात्मक आयोजन बना दिया है। इस कल्पनाशीलता के लिए उसके निर्णायक मंडल के सभी सदस्यों को साधुवाद। गांधी जीवन के महाकाव्य में है क्या? यह तो हम सुनते ही रहते हैं कि उसमें सत्य है, अहिंसा है, सादगी है, सहजता है, लेकिन उसकी खूबसूरती पर, उसके सौंदर्य पर बात जरा कम ही होती है। तरह तरह के कलाकारों के साथ गांधी जी का मेलजोल जीवन पर्यंत रहा। उनके आसपास चित्रकार थे, लेखक थे, आर्किटेक्ट थे, मूर्तिकार थे, संगीतकार थे और रविंद्रनाथ जैसे यशस्वी कवि भी थे। यही कारण है कि अनेक ऊंचे नामी गिरामी कवियों ने उन पर कविताएं लिखी हैं। इसे आप आजमाना चाहें तो कभी इंटरनेट पर महात्मा गांधी और कविता खोज के देखिएगा, एक से बढ़कर एक नाम सामने आएंगे जिन्होंने गांधी जी पर कविताएं लिखी हैं। तो कविता का यह स्वभाव है कि उसकी बात कम से कम शब्दों में होती है। फालतू अल्फाज तो क्या, एक बेवजह हर्फ तक उसकी खूबसूरती को बिगाड़ देता है। इसलिए कोई हुनरमंद शायर अपनी जुबान हर स्वर हर व्यंजन को घिसता है। ऐसी ही मेहनत गांधी जी ने अपने गद्य की भाषा पर की, चाहे अपना लिखा हुआ हो या दूसरों का लिखा, वे दोनों का संपादन बराबर कड़ाई से करते थे। भाषा और विचार दोनों को लगातार सत्य और अहिंसा की कसौटी पर कसते रहते थे, उसे हर पढ़ने वाले के लिए सुलभ और उपयोगी बनाते रहते थे। यह काम उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया। वहाँ भारतीय लोगों के साथ कई तरह के अन्याय होते रहते थे। हिंदुस्तानी लोग इस अनीति का विरोध नहीं कर पाते थे, क्योंकि जैसे भारत में लोग जाति, भाषा और धर्म के आधार पर बटे हुए थे, वैसे ही वे दक्षिण अफ्रीका में भी थे। गांधी जी को वहाँ यह आभास होने लगा था कि भारत कितना बड़ा देश है और उसमें कितने विभिन्न तरह के लोग रहते हैं। इस विविधता में एकता लाने का एक ही तरीका उन्हें दिखा, उनकी भाषाओं को जोड़ना। गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार और विचार का पत्र निकाला। अलग अलग भाषा वाले लोगों से बात करने के लिए इस पर्चे में एक साथ चार भाषाओं में लेख रहते थे, अंग्रेजी, गुजराती, तमिल और हिंदी। तरह तरह की सामग्री का अनुवाद होता था, उसे दूसरी भाषा के लोगों के पढ़ने के योग्य बनाया जाता था। इस काम को करने के लिए गांधी जी ने तमिल सीखी, फिर उर्दू सीखी, हिंदी भी सीखी, क्योंकि उनकी मूल भाषा गुजराती थी। जब 78 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई तब गांधी जी 11 भाषाएं जानते थे। इन भाषाओं को सीखने की मेहनत आखिर उन्होंने क्यों की? उन्हें क्या कोई डिग्री या नौकरी हासिल करनी थी? ऐसा नहीं है, उन्हें बस अपने लोगों को समझना था,
उन्हें अपनी बात समझानी थी। इस काम में उन्हें कविता से असीम मदद मिली। उन्हें प्रसिद्ध भक्ति कवियों की कविताएं खूब प्रिय थी। भक्ति परंपरा का उद्गम तमिलनाडु में आज से कोई 1500 साल पहले माना जाता है, और वहां से चलते हुए भक्ति कवियों ने समाज की बुराइयों की गहरी आलोचना भी की और अच्छाई और धर्म का रास्ता भी दिखाया। आज जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, उसे बनाने में भक्ति कवियों का अनमोल योगदान तो है ही, कई सूफी सिलसिले के कवियों का सत भी उसमें मौजूद है। तुलसीदास, कबीर, मीरा और सूरदास तो इसमें हैं ही, अमीर खुसरो, बाबा बुल्ले शाह, बाबा फरीद और रहीम भी हैं, बाबा नानक तो खैर हैं ही। इनमें से अगर आप इन भक्ति कवियों के नाम देखेंगे तो इनमें कई लोग अनपढ़ थे, लेकिन फिर भी हमारे प्राचीन अध्यात्म पर उनका पूरा अधिकार था। इन संतों की कविता ने अलग अलग भाषा के लोगों को ही नहीं जोड़ा, पढ़े लिखे लोगों को अनपढ़ लोगों से भी जोड़ा। जो गुजराती नहीं जानते हैं, उन्होंने चाहे नरसिंह मेहता का नाम न सुना हो, पर उन्होंने वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे, पीढ़ पराई जाने रे तो सुना ही होगा। इन कवियों में भिन्नता के बावजूद एक दूसरे के लिए कितना सम्मान था, इसका वर्णन रहीम के एक सुंदर दोहे में मिलता है, जिसमें उन्होंने तुलसीदास जी की रचना का एक मूल्यांकन किया है। उन्होंने लिखा, रामचरित मानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवन के वेद सम यवन ही प्रकट कुरान। रामचरितमानस गांधी जी को भी अत्यंत प्रिय थी। उन्होंने जो आश्रम बनाए उनमें रोज प्रार्थना होती थी और इन्हीं संत कवियों की रचनाएं वहां गाई जाती थी। हर तरह की मुश्किल का हिम्मत से सामना करने का आत्मविश्वास गांधी जी को इन्हीं संतों की कविताओं से मिलता था। इन भक्ति कवियों को पढ़ते सुनते हमें आसानी से यह समझ आ जाता है कि आज जिस भाषा का उपयोग हम कर रहे हैं उसकी पैदाइश कैसे है। इस भाषा को कोई उर्दू कहता है, कोई हिंदुस्तानी और कोई हिंदी कहता है। कुछ प्रसिद्ध विद्वानों ने अपने शोध और लेखन से यह दिखलाया है कि यह तीनों नाम एक ही भाषा के हैं। रूप अलग अलग हैं, अलग अलग परिवेश हैं, किंतु भाषा एक ही है। हिंदी उर्दू के जन्म की कहानी में भी जुड़ाव है, जब अलग अलग भाषा के लोग एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हैं तब उस संयोग से हिंदुस्तानी या हिंदवी निकलती है। इसी को बाद में उर्दू या हिंदी कहा गया। भाषा की यह सुंदर यात्रा इस बात का प्रमाण है कि अनेक भाषाओं में बोलने वाले लोग भी एक हो सकते हैं, दूसरों को अपनी बात समझा सकते हैं, दूसरों की बात खुद समझ सकते हैं। भाषा का काम आखिरकार यही है, एक दूसरे को समझना समझाना। भाषा यानी लोगों को जोड़ने का जरिया ही है। हमारा स्वतंत्रता संग्राम भी अलग अलग परिवेशों के लोगों को जोड़ने का एक बड़ा आंदोलन था। इसमें यह प्रयास बार बार किया गया कि अपने सीमित दायरे से लोग बाहर निकलकर इस बड़े देश के दूसरे लोगों से जुड़े। इसमें गांधी जी का नेतृत्व खास महत्व रखता है। जितना सहज प्रेम गांधी जी को सभी तरह के हिंदुस्तानी लोगों से था, उतना ही प्यार, उतना ही सहज प्यार उन्हें हिंदुस्तान की सभी भाषाओं से था। लोगों को जोड़ने की यही ताकत कविता को भाषा में इतना बड़ा दर्जा देती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके मानस पर कभी ना कभी, किसी न किसी तरह से कविता ने छाप न छोड़ी हो। हर भाषा में कविता को विशेष स्थान इसीलिए मिला हुआ है क्योंकि कविता शब्दों के अर्थ में बंधती नहीं है। कविता वह भी कह सकती है जो शब्द ना कह पाए। अगर भाषा का शरीर शब्दों से बना है तो कविता उसकी आत्मा होती है। कविता का एक आनंद है पदों का मिलना, यानी तुक को बांधना या तुकबंदी करना। इसी तरह हम बचपन में कविता सीखते हैं। पंक्ति शुरू कहीं से भी हो, वह छंद में बंधी हुई पद में जाकर अंत में
पहले आने वाली पंक्तियों से मिल जाती है। उर्दू शायर इसी को काफिया और रदीफ कहते हैं। इसमें मेल सिर्फ भाषा का नहीं होता, अलग अलग तरह के विचार भी कविता के माध्यम से एक हो जाते हैं। तभी कविता वह भाव पैदा कर जाती है जो केवल शब्दों से नहीं आ सकता। कविता सुखांत तक पहुंचने का माध्यम है, चाहे उसमें जुड़ने वाले लोग कहानी की लोगों की कहानी की शुरुआत कितने ही कड़वेपन और अलगाव से क्यों न हो। कविता हमें यह उम्मीद देती है कि हम अपने अपने अकेलेपन, अपनी अपनी त्रासदी, अपने अपने दुखान से बाहर निकल सकें, दूसरों से मेल जोल कर सकें। कुछ आनंद उनसे हम पा सकें, कुछ आनंद उन्हें हम दे सकें। गांधी जीवन इसी मायने में कविता कहा जा सकता है। उसमें लगातार लोगों को प्यार से जोड़ने का आग्रह था, अपनापन बढ़ाने की श्रद्धा थी, लोगों को लड़वाने की राजनीति करना गांधी कविता का हिस्सा कभी नहीं रहा। उनके काम ऐसे थे जिनमें अलग अलग लोग मिल सकें। लोगों को जोड़ने की यह कविता सुखांत की कुंजी है। स्वतंत्रता के बाद हमारे गणतंत्र की यही कुंजी रही है। किंतु राजनीति में लोगों को जोड़ना ही जरूरी नहीं होता, इसलिए वह पहचान पर बहुत जोर देती है, एक विशेष पहचान बनाती है जो शेष से अलग हो। ऐसी राजनीति कविता के सहारे नहीं चलती, वह पहचान पर आधारित राजनीतिक नारों के सहारे चलती है। जाहिर है इसमें कविता वाला पद मिलाने का आग्रह कतई नहीं होता। इन नारों में पहले शब्द मिलाए जाते हैं। इसमें प्रधान यही होता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, यह नहीं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। इसमें शब्द एक ही अक्षर से निकलते हैं और दूर होके अलग थलग पहुंच जाते हैं। कविता के सुखांत से ठीक उल्टा यह दुखांत है। गांधीनामा लिखने वाले प्रसिद्ध शायर अकबर इलाहाबादी की दो पंक्तियां ऐसे में याद करने लायक हैं। वसल की शब मैंने उस बुत से लड़ाई थी जुबान, ये असर उसका हुआ उर्दू से हिंदी लड़ गई। हम आए चाहे कहीं से भी हों, हमारी संस्कृति की कसौटी तो यही है कि हम साथ मिलके रह सके, एक दूसरे का सम्मान कर सके। इबारत को सुनने वालों में बड़ी संख्या में युवजन है। जवानी प्रेम और आकर्षण की अवस्था है। अपनी हदों से बाहर निकलकर खुद को अपने आप से बड़ा बनाने की उम्र है, मोहब्बत करने की उम्र भी है, और प्यार के सबसे बड़े सबक हमें कविता में ही मिलते हैं। फिर चाहे वह कालिदास हों या फिल्मी गीत लिखने वाले गुलजार जैसे गीतकार, जिस किसी ने प्यार किया है वह जानता है कि गहन आनंद एक साथ एक जगह शुरू करने में नहीं है, वह तो साथ में अंत करने से है, सुखांत में है। अंग्रेजी में कहते ही हैं दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। कविता में दूसरों को रिझाने का श्रृंगार तो है ही, जीवन की असफलता को सहने की ताकत भी है। इश्क में नाकामी भी इंसान को शायर बना देती है, ऐसा पहले से कहा जाता है। लेकिन आज हमारा समाज एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुका है जहां पर इश्क में नाकाम कुछ आशिक अपनी माशूका पर तेजाब तक फेंक देते हैं, क्योंकि अगर हम सच्चाई से, अहिंसा से, प्यार से एक दूसरे को मनाना नहीं सीख सके तो फिर हमें बगल में बंदूक छिपा के किसी निहत्ते पर गोली चलानी पड़ेगी। इसीलिए प्यार करने वालों के लिए इबारत एक नेमत है, यह एक दूसरे को रिझाने के तरीके ढूंढने का मौका है। कविता अलग अलग शब्द अलग अलग मायनों को ही नहीं जोड़ती, वह हमें उनसे जुड़ने का मौका भी देती है जिनसे किन्हीं कारणों से हमारा अलगाव है, जो हमसे किसी न किसी कारण से रूठ गए हैं। आज शहीद दिवस पर हम दूर बैठे ही चार अच्छे शायरों को सुने, उन्हें अपने दिल के करीब लाने की कोशिश करें, कविता को अपने दिल में थोड़ी जगह दें। इसी इबादत के साथ आप सभी को शुभकामनाएं। आदाब। बहुत शुक्रिया सोपान जोशी, आपका वक्तव्य अहिंसा और प्रेम का पाठ पढ़ाता हुआ
मीर जब छोटे थे तो उनके वालिद उनसे कहा करते थे कि इश्क कुन वक्त जाया मकुन, इश्क कर वक्त बर्बाद न कर। तो ये वो फलसफा था, वो ज्ञान था जो मीर के वालिद ने उनको दिया था बचपन से ही, उन्हें घुट्टी में पिलाई गई थी, जो हमारी हिंदुस्तानी तहजीब की बुनियाद। जब तक हम प्रेम नहीं करते हम अहिंसक नहीं हो सकते। हम प्रेम करेंगे, हमारे हृदय में संवेदना होगी पूरी इंसानियत के लिए, प्रेम होगा, तभी हम अहिंसक हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर। आइए अब इस महफिल को शेर व सुखन की तरफ ले चलते हैं। जैसा कि हमारा तरीका है, आप सब जानते हैं कि शेर सुनने से पहले शेर सुनने का हक अदा करना पड़ता है, तो अगर आप सब इजाज़त दें तो मैं कुछ शेर पहले पेश कर दूं और उसके बाद अपने सभी अजीज मेहमानों से इल्तिमास करूं कि वो अपना कलाम पेश करें। तो मैं कुछ शेर हाजिर करता हूं जो बिल्कुल नए शेर हैं। मतलब यूं है कि मैं अपने आप से एक दिन मिला था, मैं अपने आप से एक दिन मिला था, पर उस दिन नाम मेरा दूसरा था। मैं अपने आप से एक दिन मिला था, मैं अपने आप से एक दिन मिला था, पर उस दिन नाम मेरा दूसरा था, पर उस दिन नाम मेरा दूसरा था, उसे एक दिन न जाने क्या हुआ था, उसे एक दिन न जाने क्या हुआ था, अचानक मुझसे लगकर रो पड़ा था। उसे एक दिन न जाने क्या हुआ था, अचानक मुझसे लगकर रो पड़ा था। और ये शेर भी देखें खास तौर से कि मैसर था उलझने के लिए मैं, मैसर था मैं उलझने के लिए मैं, भटकने के लिए एक रास्ता था। मैसर था उलझने के लिए मैं, भटकने के लिए एक रास्ता था, भटकने के लिए एक रास्ता था। एक तीन चार शेर और सुन लें कि सभी की आंख का तारा हो कोई, सभी की आंख का तारा हो कोई, मगर इतना भी क्यों अच्छा हो कोई। सभी की आंख का तारा हो कोई, बहुत अच्छा, मगर इतना भी क्यों अच्छा हो। बहुत शुक्रिया। मगर इतना भी क्यों अच्छा हो कोई, मैं जो भी उल्टा सीधा सोचता हूँ, मैं जो भी उल्टा सीधा सोचता हूँ, कहीं ऐसा ना हो सुनता हो कोई। क्या कहने, बहुत ही अच्छा, बहुत उम्दा, क्या कहने, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं जो भी उल्टा सीधा सोचता हूँ, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो सुनता हो कोई। मैं जो भी उल्टा सीधा सोचता हूँ, कहीं ऐसा ना हो सुनता हो कोई, ये मुमकिन है कि मुझ पर हंसने वाला, ये मुमकिन है कि मुझ पर हंसने वाला मेरे अंदर छुपा बैठा हो कोई। क्या कहने, वाह वाह, ये मुमकिन है कि मुझ पर हंसने वाला मेरे अंदर छुपा बैठा हो कोई। एक दो तीन शेर और सुन लीजिए, बिल्कुल ये दो चार छह दिन की गजलें हैं तो उस दौरान की तो मैं हाजिर कर रहा हूँ। सुने, मतलब कि ये जोखिम इस बार उठाया है मैंने, ये जोखिम इस बार उठाया है मैंने,
अपनी जानिब हाथ बढ़ाया है मैंने। वाह वाह, ये जो बहुत अच्छा उठाया है मैंने, वाह, ये जोखम इस बार उठाया है मैंने, अपनी जानिब हाथ बढ़ाया है मैंने, उम्र गंवा दी फिर भी ढूंढ नहीं पाया, उम्र गंवा दी फिर भी ढूंढ नहीं पाया, खुद को आखिर कहाँ छुपाया है मैंने। खुद को आखिर कहाँ छुपाया है मैंने। और ये मक्ता सुने कि जाने कितनी रातें मुझ में है दानिश, जाने कितनी रातें मुझ में है दानिश, फिर भी गीत शहर का गाया है मैंने। क्या अच्छा शेर है भाई, वाह 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 वाह, फिर भी गीत शहर का गाया है, वाह शुक्रिया। जाने कितनी रातें मुझ में है दानिश, फिर भी गीत शहर का गाया है। बहुत अच्छा शेर, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत खूब, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दोहा कतर से भाई अजीज नबील हैं, उनको जब मैं आवाज देता हूँ तो मुझे इरफान सिद्दीकी साहब का एक शेर याद आता है कि उठो ये मंजरे शब्ताब देखने के लिए, नींद शर्त नहीं ख्वाब देखने के लिए। तो अजीज नबील भाई एक रेगिस्तानी इलाके में रहते हैं, लेकिन कायनात से इस तरह का गहरा जुड़ाव उनका दिखता है, अपने अंदर का जो उनका फैलाव है, आवाज़ों से जो उनकी मुलाकातें हैं, आवाज़ों से और आवाज़ों के साए से जो उनकी गुफ्तगू है, वो जब उनके अंदर उतरती है और एक नया रूप धर के आती है सामने, तो गज़ल का एक नया रूप, एक नई पहचान होती है, एक नई आवाज़ होती है। मुझे लगता है कि हमारी आज की जो इनकी पीढ़ी है अजीज़ नबील भाई की, उस पीढ़ी के नुमाइंदा शायरों में भाई अजीज़ नबील का शुमार होता है। वो उनकी आवाज़ वो आवाज़ है जो बहुत अलग से पहचानी जाती है, और न सिर्फ अलग से पहचानी जाती है बल्कि दूर से पहचानी जाती है। मैं भाई अजीज़ नबील को बहुत मोहब्बतों के साथ दावत देता हूँ कि वो अपना कलाम पेश करें। भाई अजीज़ नबील, बहुत बहुत शुक्रिया फरहत एहसास साहब की इजाज़त से। इशान, इशान। इबारत सरहद पार के नाम मतला पेश करते हुए कुछ अशार इसी गजल के सुनाऊंगा। इरशाद, इरशाद। अर्ज करता हूँ कि जिस तरफ चाहूँ पहुँच जाऊँ मुसाफत कैसी, जिस तरफ चाहूँ पहुँच जाऊँ मुसाफत कैसी, मैं तो आवाज हूँ आवाज की हिजरत कैसी। जिस तरफ चाहूँ पहुँच जाऊँ मुसाफत कैसी, मैं तो आवाज हूँ आवाज की हिजरत कैसी। फिर नए साल की सरहद पे खड़े हैं हम लोग, फिर नए साल की सरहद पे खड़े हैं हम लोग, राख हो जाएगा ये साल भी हैरत कैसी। और कुछ जख्म मेरे दिल के हवाले मेरी जान, और कुछ जख्म मेरे दिल के हवाले मेरी जान, ये मोहब्बत है मोहब्बत में शिकायत कैसी। वाह वाह, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं किसी आंख से छलका हुआ आंसू हूँ नबील, क्या खूबसूरत है। मैं किसी आंख से छलका हुआ आंसू हूँ नबील, मेरी ताईद ही क्या मेरी बगावत कैसी। क्या कहने, क्या बहुत अच्छे, शुक्रिया बहुत नौशा साहब। सच्चाई मोहब्बत और अहिंसा की अजीम आवाज, बाबाए कौम महात्मा गांधी के नाम एक शेर। इरशाद, उससे पहले एक मतला के अब के बारिश ने किए रूह के शीशे जख्मी।
क्या कहने हैं। अब के बारिश ने किए रूह के शीशे जख्मी, धूप निकली तो हुए जिस्मों के साये जख्मी। क्या कहने। और वो शेर ये था कि तुमने आवाज को जंजीर से कसना चाहा, तुमने आवाज को जंजीर से कसना चाहा, देख लो हो गए अब हाथ तुम्हारे जख्मी। कि तुमने आवाज को जंजीर से कसना चाहा, देख लो हो गए अब हाथ तुम्हारे जख्मी। मतलब है कि बेसबब ही कभी आवाज लगाओ तो सही। क्या कहने। बेसबब ही कभी आवाज लगाओ तो सही, अपने होने का कुछ एहसास दिलाओ तो सही। क्या कहने। शुक्रिया। और ये शेर बतौर खास पेश करना चाहूंगा कि सांस लेता हुआ हर रंग नजर आएगा। वाह। सांस लेता हुआ हर रंग नजर आएगा, तुम किसी रोज मेरे रंग में आओ तो सही। वाह। तुम किसी रोज मेरे रंग में आओ तो सही, ताकि फिर रात की तस्वीर उतारी जाए। क्या कहने। ताकि फिर रात की तस्वीर उतारी जाए, इन चिरागों को जरा देर बुझाओ तो सही। शुक्रिया। और हौसला है तो जजीरा भी तुम्हारा होगा। हौसला है तो जजीरा भी तुम्हारा होगा, खौफ की कश्तियां साहिल पे जलाओ तो सही। कि हौसला है तो जजीरा भी तुम्हारा होगा, खौफ की कश्तियां साहिल पे जलाओ तो सही, और मेरी मिट्टी में मोहब्बत ही मोहब्बत है नबील। ये तो कमाल है अजीज। मेरी मिट्टी में मोहब्बत ही मोहब्बत है नबील, छू के देखो तो सही, हाथ लगाओ तो सही। मेरी मिट्टी में मोहब्बत ही मोहब्बत है नबील, छू के देखो तो सही, हाथ लगाओ तो सही। मैं दस तरस से तुम्हारी निकल भी सकता हूँ, मैं दस तरस से तुम्हारी निकल भी सकता हूँ, ये सोच लो कि मैं रास्ता बदल भी सकता हूँ। कलम है हाथ में किरदार भी मेरे बस में, कलम है हाथ में किरदार भी मेरे बस में, अगर मैं चाहूँ कहानी बदल भी सकता हूँ। क्या कहने। और उसे कहो कि गुरेजा न यूं रहे मुझसे, उसे कहो कि गुरेजा न यूं रहे मुझसे, मैं एहतियात की बारिश में जल भी सकता हूँ। मतलब है कि न रूह से धुआं उठा ना आंख ही लहू हुई। क्या कहने। न रूह से धुआं उठा ना आंख ही लहू हुई, ये किस तलब की चांदनी में रात सुर्ख रू हुई। क्या कहने। ये किस तलब की चांदनी में रात सुर्ख रू हुई, और हमें तो अपनी जुस्तजू भी खुद से दूर ले गई। हमें तो अपनी जुस्तजू भी खुद से दूर ले गई, तुम्हारी जुस्तजू तो फिर तुम्हारी जुस्तजू हुई। क्या कहने। तुम्हारी जुस्तजू तो फिर तुम्हारी जुस्तजू हुई, मैं अपनी जात का सफर तमाम करके रुक गया। मैं अपनी जात का सफर तमाम करके रुक गया, फिर उसके बाद रास्तों से मेरी गुफ्तगू हुई। मैं अपनी जात का सफर तमाम करके रुक गया, फिर उसके बाद रास्तों से मेरी गुफ्तगू हुई। शेर अर्ज किया है कि सियाह शब के असर से
निकल रहे हो क्या? सियाह शब्द के असर से निकल रहे हो क्या? सितारों तुम भी मेरे साथ चल रहे हो क्या? और बुझी बुझी सी ये बातें, धुआं धुआं लह जा। दानिश भाई, बुझी बुझी सी ये बातें, धुआं धुआं लह जा। किसी अजाब में अंदर से जल रहे हो क्या? किसी अजाब में अंदर से जल रहे हो क्या? वो जा रहा था, शुक्रिया, वो जा रहा था तो रोका नहीं उसे तुमने। वो जा रहा था तो रोका नहीं उसे तुमने। वो जा चुका है तो अब हाथ मल रहे हो क्या? और तुम्हें तो आज की शब मेरा कत्ल करना था। तुम्हें तो आज की शब मेरा कत्ल करना था। कहाँ चले हो, इरादा बदल रहे हो क्या? तुम्हें तो आज की शब मेरा कत्ल करना था। कहाँ चले हो, इरादा बदल रहे हो क्या? ये क्या सफर है, कभी खत्म ही नहीं होता। ये क्या सफर है, कभी खत्म ही नहीं होता। नबील समते मुखालिफ में चल रहे हो क्या? अरे बहुत और दो तीन शेर आखिर में के मुसाफतें किसी बैत के इंतजार में हैं। मुसाफतें किसी बैत के इंतजार में हैं। अकीदतें अभी मुसाफतें किसी हिजरत के इंतजार में हैं। फिर देखिएगा कि मुसाफतें किसी हिजरत के इंतजार में हैं। अकीदतें अभी बैत के इंतजार में हैं। और सराए इश्क में बैठे हुए हैं दिल वाले। सराए इश्क में बैठे हुए हैं दिल वाले और एक आखिरी तोहमत के इंतजार में हैं। शुक्रिया। और आखिरी शेर के नबील खोल दो शहरे सुखन के दरवाजे। क्या कहने, नबील खोल दो शहरे सुखन के दरवाजे। बहुत सी गजलें इजाजत के इंतजार में हैं। नबील खोल दो शहरे सुखन के दरवाजे। बहुत सी गजलें इजाजत के इंतजार में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश भाई। बहुत शुक्रिया। और इबारत का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। क्या खूबसूरत कलाम पेश किया आपने, क्या अच्छी अच्छी गजलें आपने पढ़ी आज इबारत के इस अंक में। सुन लिया हमने, तो खैर आप आगे बढ़ा लेते हैं इसको। तो आइए हजरात, अब महफिल उस मकाम पर आप पहुँचिए जहाँ हम बहुत इज्जत और अदब के साथ आवाज़ दें डॉक्टर नौशा असरार साहब को। सर से पांव तक मोहब्बत है मोहब्बत। पेशे से वैसे तो साइंटिस्ट हैं, अमेरिका में वैज्ञानिक हैं, लेकिन दिल मोहब्बतों से भरा हुआ है और हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से प्यार करने का इनका जज्बा जो है उनकी शायरी में फूट फूट पड़ता है। जो इनके अल्फाज हैं, जो इनकी भाषा है, वो ऐसी रची बसी है हिंदुस्तानियत में पगी हुई भाषा कि जब सुनते हैं तो लगता है कि एक बहुत लंबा अरसा अमेरिका में गुजारने के बाद और एक साइंटिस्ट होने के बाद भी वो जो शिरीनी है जुबान की, वो जो मिठास है, वो जो एक अपनायत है, वो कमाल भाई नौशा सरार के यहाँ बरकरार है। ये बहुत कमाल की बात है। उनका एक शेरी मजमुआ भी आ चुका है, पूरी दुनिया में बहुत इज्जत के साथ सुने जाते हैं। वो ह्यूस्टन में रहते हैं अमेरिका के, और अमेरिका के किसी अहम महकमे में साइंटिस्ट हैं और खूबसूरत शायर हैं। मैं बहुत इज्जत के साथ उन्हें दावत कलाम देता हूं। भाई डॉक्टर नौशा असरार साहब अपने कलाम से इस महफिल को आगे बढ़ाएं। भाई डॉक्टर नौशा असरार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मदन मोहन दानिश साहब, आपने जो
अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल किए, शायद मैं उसके लायक नहीं हूँ, मगर ये आपकी मोहब्बत है और ये हौसला अफजाई है तमाम सुनने वालों की जिन्होंने मुझे प्रेरित किया है कि मैं कुछ अपनी बातें उस अंदाज से करूँ जिस अंदाज से वो सुनना चाहते हैं। और बड़ी खूबसूरत महफिल है, आपने जो कलाम पढ़े तबीयत खुश हुई। अज़ीज़ नबील हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा लगा सुन के। और अभी तो हमें और अपने शोरा को सुनना है, तो ये महफिल अभी और जवान से जवान तर होती चली जाएगी। बेशक बेशक। इसके साथ साथ शुरू करते हैं जो आपने बात कही कि हाँ, जाहिर की बात है जहाँ जिस सरजमीन में मेरे वजूद का किला फूटा उससे अपने आप को दूर कहाँ हम कर सकते हैं, उससे रूहानी एक ताल्लुक होता है। मिसरे पेश करता हूँ। बूवे गुल और कहीं, रंग चमन और कहीं। बूवे गुल और कहीं, रंग चमन और कहीं, है मकां और कहीं, और वतन और कहीं। क्या कहने, क्या कहने, बूवे गुल और कहीं, और वतन और कहीं, है मकां और कहीं, और वतन और कहीं। और कितना बिखराव है दुनिया के सिमट जाने से, दुनिया के सिमट जाने से, रूह है और कहीं, और बदन और कहीं। क्या कहने, क्या कहने, क्या बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी हौसला अफजाई। बहुत ये मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने और इबारत महकमे ने और ये ITM यूनिवर्सिटी ने जो इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है, और आज 30 जनवरी ऐसा दिन है जिस दिन बहुत उदास होने को दिल चाहता है, लेकिन सबसे बड़ी खराज अकीदत उस शख्स की यही होगी कि उनके अकदार को हम समझें, उनके फलसफे को हम समझें, और उनके नक्श कदम पे चलने की कोशिश करें। और चूँकि हम अशोरा हैं तो हमारी भी ये ज़िम्मेदारी है कि उनके पैगामात को, उनके फ़लसफ़े को कहीं ना कहीं हम अपनी शायरी में जगह ज़रूर दें और उसे शायरी के ज़रिए लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। शेर पढ़ता हूँ जो यकीनन मैंने महात्मा गांधी की ज़ात से मुतासिर होकर ही ये लिखा है कि नफरतों से नहीं होता कभी नफरत का इलाज। आहा, आहा। नफरतों से नहीं होता कभी नफरत का इलाज, दुश्मने जा को भी सीने से लगाओ तो बने। आहा। नफरतों से नहीं होता कभी नफरत का इलाज, क्या कहने, जा को भी सीने से लगाओ तो बने, और फूल ही फूल हो गुलशन में जरूरी तो नहीं। फूल ही फूल हो गुलशन में जरूरी तो नहीं, सुर्खिये लब से कोई बाग सजाओ तो बने। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह। गांधी जी के फलसफे में एक और बात थी जो मैंने एक दोहे में कोशिश की है कि उसको लोगों तक पहुंचाऊं। जी भाई। और वो अगर फलसफा लोगों तक पहुंच जाए, जिससे मैं खुद बहुत ज्यादा मुतासिर हूँ, कि जिसे कहते हैं आत्मचिंतन, यानी जिसको इकबाल ने कहा है कि अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी। तो दोहा सुन लीजिए, अशार तो सुनाऊंगा, गजलें भी सुनाऊंगा, नज़्म भी। कहा है कि काबा काशी जेरूसलम हरी द्वार कोई जाए, काबा काशी जेरूसलम हरी द्वार कोई जाए, मन का द्वार जो खोलिए हरि दर्शन हो जाए। क्या कहने, क्या काबा काशी। अस्सलाम वालेकुम। एक दोहा पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा। ये खूबसूरत सिंफ सुखन जो खत्म होती जा रही है, जिसका बड़ा अफसोस है, कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें भी कुछ तबाज़माई की जाए। काबा काशी जेरूसलम हरि द्वार कोई जाए,
और मन का द्वार जो खोलिए हरि दर्शन हो जाए। क्या कहने गजल के चंद अशआर कहा है कि अशआर मेरे इसलिए होते हैं खुशनुमा। आपने मदन भाई कहा था ना कि बड़े, यूं सुनिए साहब, मैं राज देता हूँ। अशआर मेरे इसलिए होते हैं खुशनुमा, मोती हम आंसुओं के पिरोते हैं खुशनुमा। अशआर मेरे इसलिए होते हैं खुशनुमा, मोती हम आंसुओं के पिरोते हैं खुशनुमा। और माना है मीर का, माना के मीर का है तगज़ुल न रंगे दाग। माना के मीर का है तगज़ुल न रंगे दाग, हम जो कहते हैं खुशनुमा। माना के मीर का है तगज़ुल न रंगे दाग, क्या कम है हम जो कहते हैं खुशनुमा। सुनिएगा, तवज्जो दीजिएगा के मौजों के इस तराब तले है सुकूते बहर। मौजों के इस तराब तले है सुकूते बहर, लगते नहीं जो लोग वो होते हैं खुशनुमा। क्या बात, मौजों के इस तराब तले सुकूते बहर, लगते नहीं जो लोग वो होते हैं खुशनुमा। कि ये रब्ते इम्तजाज है राजे कमाल हुस्न। क्या ये रब्ते इम्तजाज है राजे कमाल हुस्न, गुल अपनी अपनी शाख पे लगते हैं खुशनुमा। खुशनुमा गिरता जिस जमीन पे पसीना गरीब का, गिरता है जिस जमीन पे पसीना गरीब का, गुंचे उसी जमीन पे खिलते हैं खुशनुमा। है जिस जमीन पे पसीना गरीब का, गुंचे उसी जमीन पे खिलते हैं खुशनुमा। क्या गजल का शेर सुनिए, जो गजल बिल्कुल आजकल के हालात की अक्कासी करती है। बहुत बड़ा अफसोस, या यूँ कहिए कि एक खलुश या एक प्यास सी महसूस होती है कि साहब इतने अच्छे अच्छे लोग बज़्म में मौजूद हैं लेकिन किसी से हम हाथ नहीं मिला पा रहे हैं, किसी से मुलाकात ऐसे नहीं हो रही है जैसे होना चाहिए। दिल मिला रखिए बस, लेकिन हम स्क्रीन पर देख रहे हैं उनको मुस्कुराते हुए। तो ये जो बेबसी का आलम है, शेर सुनता सुनिएगा, पेश करता हूँ। दस्तगीरी को गए हाथ तरस अब के बरस। दस्तगीरी को गए हाथ तरस अब के बरस, और कस्म पुरसी का वो आलम है के बस अब के बरस। दस्तगीरी को गए हाथ तरस अब के बरस, कस्मपुरसी का वो आलम है कि बस अब के बरस। और बाबा जाना था उम्मीद थी टल जाएगी। क्या एक वबा जाना था उम्मीद थी टल जाएगी, पर ये जालिम के हुई टस से नमस अब के बरस। अच्छा है, वाह वाह वाह, पर ये जालिम के हुई टस से नमस अब के बरस। और बुझ के रह जाएंगे सब रंग तखयुल मेरे। हाय हाय, बुझ के रह जाएंगे सब रंग तखयुल मेरे, मिल न पाया जो तेरी बात का रस अब के बाद। मुझ के रह जाएंगे सब रंगे तखयुल मेरे, मिल न पाया जो तेरी बात का रस अब के बरस। क्या कहने, मिल जाएं गले दूर करें शिकवे गिले,
पूरे दुनिया पूरी कौम से मुखातिब हूँ, काश मेरा पैगाम पहुंचे कि आओ मिल जाएं गले, दूर करें शिकवे गिले, क्या खबर उसने अगर कह दिया बस आपके बरस। क्या कहने क्या खबर उसने अगर कह दिया बस आपके बरस। वाह वाह वाह, कुर्सी का वो आलम है क्या आपके बरस, दस्तगीरी को गए आप बरस आपके बरस। वाह वाह, देखिए साहब ये मुशायरा जो हो रहा है उसमें चूंकि एक दरगाह एक यूनिवर्सिटी का ताउन है, तो मुझे अपनी यूनिवर्सिटी अपनी तालीमी दौर अपना बचपना और वो जो तालीमी दौर था शुरू का वो याद आता है। और मैं एक नज़्म पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। इरशाद भाई, इरशाद इरशाद इरशाद, उनवान है साथी। फरहत भाई सुनिएगा ये नज़्म, इरशाद उनवान है साथी। डूब जाता था सूरज हर एक शाम, रोशनी चांद की थी फकत नाम को। डूब जाता था सूरज हर एक शाम को, रोशनी चांद की थी फकत नाम को। आसमां पे सितारे चमकते भी थे सिर्फ उनके लिए, जिनके घर में हजारों दिए घी के जलते थे और जो खुली छत पे तकते थे तारों को, बस दिल लगी की। आसमां पे सितारे चमकते भी थे सिर्फ उनके लिए, जिनके घर में हजारों दिए घी के जलते थे और जो खुली छत पे तकते थे तारों को, बस दिल लगी के लिए। क्या कहने मेरे उन सितारों की किरणें कभी मेरी कापी कलम और किताबों को इतनी न थी जिनसे मैं काम कुछ कर सकूं। उन सितारों की किरणें कभी मेरी कापी कलम और किताबों को इतनी न थी जिनसे मैं पढ़ सकूं काम कुछ कर सकूं। मेरे घर में अंधेरा 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 बहुत, अंधेरों पर झांकता था कोई तो वो थी लालटेन एक हसीन, एक हसीन महजबी। अंधेरों के पर्दों से घर झांकता था कोई तो वो थी लालटेन एक हसीन महजबी। टीन की वो बनी तार से वो जड़ी, टीन की वो बनी तार से वो जड़ी, तीरगी में मेरे साथ हरदम खड़ी तोहफे नूर का एक खजाना लिए। टीन की वो बनी तार से वो जड़ी, तीरगी में मेरे साथ हरदम खड़ी तोहफे नूर का एक खजाना लिए। और एवज में उसे चाहिए था फकत तेल मिट्टी का, मैं उसे चाहिए था फकत तेल मिट्टी का। उसकी लौकी हिफाजत की खातिर जो दीवार थी वो थी शीशे, चार आने के शीशे में लेकिन बहुत जोर था। सुनिएगा, चार आने के शीशे में लेकिन बहुत जोर था, वो हवाओं से लड़ता झगड़ता उन्हें माप देता था, मगर चार पैसे की बत्ती की लौ को वो बुझने न देता कि मैं काम कुछ कर। चार आने के शीशे में लेकिन जोर था, वो हवाओं से लड़ता झगड़ता उन्हें माप देता कई जख्म खाता, मगर चार पैसे की बत्ती की लौ को वो बुझने न देता कि मैं पढ़ सकूं काम कुछ कर सकूं। आज मैं हूं जहां नूर ही नूर है, रोशनी का समंदर है फैला। आज मैं हूं जहां नूर ही नूर है, रोशनी का समुंदर है फैला हुआ, चांद तारों की चादर है सर पर मेरे और मेरी लालटेन कहीं भी नहीं। हाय हाय हाय, पर किसे है खबर, पर किसे है खबर, मेरे बचपन की साथी यही है कहीं, मुझ में वो दफन है। वाह क्या बात, वाह वाह, क्या कहने क्या कहने। आखिर में मैं एक नज़्म अपने वतन को पेश करना चाहूँगा। 30 जनवरी का दिन है, मेरा वतन। सिर्फ दो बंद मैं पेश करूँगा वक्त का ख्याल रखते हुए। इरशाद इरशाद, ये मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन है, ये मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन है। फूलों के बहुत रंग है पर एक
चमन है ये मेरा वतन मेरा वतन है ये मेरा वतन मेरा वतन है। फूलों के बहुत रंग है पर एक चमन है ये मेरा वतन है। है यहाँ खाके वतन बन के बगुला उड़ती है यहाँ खाके वतन बन के बगुला सरकार है हुब्बुल वतनी से गुलो लाला समझे न हमें कोई से आसत करने वाला समझे न हमें कोई से आसत करने वाला है अजम जवानों का जवान जैसे हमारा फौलाद है सीने में तो पत्थर का बदन है फौलाद है सीने में तो पत्थर का बदन है फौलाद है सीने में तो पत्थर का बदन है ये मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन है। और शेर सुनिएगा ये हमने है गुलिस्तां में नए रंग बिखेरे हमने है गुलिस्तां में नए रंग बिखेरे टाके हैं तिरंगे में दमकते हुए हीरे टाके हैं तिरंगे में दमकते हुए हीरे है किसके ये है किसकी ये हिम्मत के मेरे घर को बिखेरे है किसकी ये हिम्मत के मेरे घर को बिखेरे साझा है हर एक चूल्हा यहाँ सांस सवेरे बांधा हुआ हमने बिस्तरों से जो कफन है बांधा हुआ हमने बिसरों से जो कफन है बांधा हुआ हमने बिसरों से जो कफन है ये मेरा वतन है। फूलों के बहुत रंग हैं पर एक चमन है ये मेरा वतन है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये खूबसूरत कलाम भाई डॉक्टर हमने सुने अभी क्या उम्दा गजलें और कुछ नज़में आपने हाजिर की। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नौशाद असरार साहब बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया आपने बहुत शुक्रिया। आइए हजरात अब आगे चलते हैं और उस मकाम पर जहां इशरत आफरीन साहिबा को हम आवाज़ देंगे। हमें खुशी है कि आज की इस महफिल में हमारे साथ हैं इशरत आफरीन साहिबा। एक शेर में पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए अजीज बानो दारा वफा का शेर यूं है कुरेदता है बहुत राख मेरे माजी की कुरेदता है बहुत राख मेरे माजी की मैं चूक जाऊं तो वो उंगलियां जला लेगा। बहुत अच्छा। मैं दावत कलाम देता हूं इस शेर के साथ ही हमारे दौर की हमारे अहद की अहम तरीन शायरा इशरत आफरीन। शुक्रिया शुक्रिया आदाब। मैं पहले इजाजत चाहूंगी फरद भाई फरद एहसास साहब से। बहुत शुक्रिया मदन मोहन दानिश साहब मिश्रा जी आपने मुझे याद किया इस महफिल में खुसूसन आईटीएम विश्वविद्यालय के जैसे अहम इदारे इल्मी इदारे के तहत जो ये प्रोग्राम हो रहा है और इबारत के लिए मेरी नेक तमन्नाएं हैं। और आज का दिन वैसे भी महात्मा गांधी की ज़ात गिरामी से मंसूब है और उन्हीं का दिन है बल्कि मैं पहले ही एक नज़्म इस दिन की नज़र करती हूँ। इसका उन्मान है रिहाई। असीर लोगो उठो और उठकर पहाड़ काटो असीर लोगो उठो और उठकर पहाड़ काटो पहाड़ मुर्दा रिवायतों के पहाड़ अंधी अकीदतों के पहाड़ जालिम अदावतों के पहाड़ आदाब।
پہاڑ مردہ روایتوں کے، پہاڑ اندھی عقیدتوں کے، پہاڑ ظالم مداوتوں کے، ہمارے جسموں کے، ہمارے جسموں کے قید خانوں میں سینکڑوں بے قرار جسم اور اداس روحیں سسک رہی ہیں، وہ زینہ زینہ بھٹک رہی ہیں، ہم ان کو آزاد کب کریں گے؟ ہمارا ہونا ہماری ان آنے والی نسلوں کے واسطے ہے، ہم ان کے مقروض ہیں جو ہم سے وجود لیں گے، نمود لیں گے، جو ہم سے وجود لیں گے، نمود لیں گے، کٹے ہوئے ایک سر سے لاکھوں سروں کی تخلیق اب کہانی نہیں رہی ہے، لہو میں جوشے دھڑک رہی ہے، گمک رہی ہے، ہزاروں آنکھیں بدن کے خلیوں سے جھانکتی بے قرار آنکھیں، یہ رنگ آنکھیں، یہ خواب آنکھیں، گلاب آنکھیں، یہ کہہ رہی ہیں اسیر لوگوں جو زرد پتھر کے گھر میں یوں بے حسی کی چادر لپیٹ کر سو رہے ہیں، ان کو کہو کہ اٹھ کر پہاڑ کاٹیں، ہمیں اٹھ کر پہاڑ کاٹیں، ہمیں رہائی کی سوچنا ہے۔ بہت عمدہ، بڑی بازش۔ ایک غزل کے چند اشعار ہیں کہ میں اپنے عذاب لکھ رہی تھی، میں اپنے عذاب لکھ رہی تھی، زخموں کا حساب لکھ رہی تھی، میں اپنے عذاب لکھ رہی تھی، زخموں کا حساب لکھ رہی تھی، پھولوں کی صبح کی شاعرہ تھی، پھولوں کی صبح کی شاعرہ تھی، کانٹوں سے گلاب لکھ رہی تھی۔ کیا کہنے، پھولوں کی زبان کی شاعرہ تھی، کانٹوں سے گلاب لکھ رہی تھی، ایک نسل کے خواب کے لہو سے، ایک نسل کے خواب کے لہو سے، ایک نسل کے خواب لکھ رہی تھی۔ آداب۔ ایک نسل کے خواب کے لہو سے، ایک نسل کے خواب لکھ رہی تھی، اور آنکھوں سے سوال پڑھ رہی تھی، آنکھوں سے سوال پڑھ رہی تھی، سوال پڑھ رہی تھی، پلکوں سے جواب لکھ رہی تھی۔ آداب۔ آنکھوں سے سوال پڑھ رہی تھی، پلکوں سے جواب لکھ رہی تھی، ایک نسل کے خواب کے لہو سے، ایک نسل کے خواب لکھ رہی تھی۔ اور اب ایک نظم جو کہ ہمارے بھائی دانش کی فرمائش تھی پہلے سے، تو میں یہ پیش کرتی ہوں کہ اگلے جنم موہے بٹیا ہی کی جو، مگر اس سے پہلے ایک اور چھوٹی سی نظم کی اجازت چاہوں گی۔ اس کا عنوان ہے میرا درد نہ جانے کوئی۔ ایک طرف، معاف کیجیے گا، ایک طرف بیٹی ہے میری، ایک طرف میری ماں، ایک طرف بیٹی ہے میری، ایک طرف میری ماں، دونوں مجھ کو عقل بتاتی رہتی ہیں۔ بہت اچھا، دونوں مجھ کو عقل بتاتی رہتی ہیں، باری باری سبق پڑھاتی رہتی ہیں، دو نسلوں کے بیچ کھڑی میں خود پر ہنستی رہتی ہوں، اپنی گرہیں آپ ہی کستی رہتی ہوں، میرے دو نسلوں کے بیچ کھڑی میں خود پر ہنستی رہتی ہوں، اپنی گرہیں آپ ہی کستی رہتی ہوں، اور میرے دونوں ہاتھ بندھے میرا درد نہ جانے کوئی۔ میرے دونوں ہاتھ بندھے میرا درد نہ جانے کوئی،
और अब ये नज्म जो आपकी फरमाइश है भाई दानिश, इरशाद इरशाद बहन जी, अगली जन्म मोहे बिटिया ही की जो, मेरी बेटी तुझे भी मैंने जन्मा था उसी दुख से कि जिस दुख से तेरे भाई को जन्मा, हाय हाय, तुझे भी मैंने, मेरी बेटी तुझे भी मैंने जन्मा था उसी दुख से कि जिस दुख से तेरे भाई को जन्मा, तुझे भी मैंने अपने तन से वाबस्ता रखा उतनी ही मुद्दत तक कि जब तक तेरे भाई को, मेरे तन के, मेरे तन के हर एक दुख सुख में तुम दोनों का हिस्सा एक जैसा मादरे फितरत ने रखा था, मगर तू जिस घड़ी दुनिया में आई विरासत बांटने वालों ने अपना फैसला लिखा, मगर तू जिस घड़ी दुनिया में आई विरासत बांटने वालों ने अपना फैसला लिखा, तुझे मुझसे शिकायत है कि मैंने प्यार की तकसीम में तफरीक बरती है, खिलौने और आंसू का जो बंटवारा हुआ प्यारी, तेरे हिस्से में आंसू आए हैं अक्सर, तुझे ये जान, खिलौने और आंसू का जो बंटवारा हुआ प्यारी, तेरे हिस्से में आंसू आए हैं अक्सर, तुझे ये जानकर हैरत तो होगी मेरे हिस्से कभी हर तरने वाला भाइयों ही को मिला करता, मगर माँ से कोई हाथ, मेरे हिस्से कभी हर तरने वाला भाइयों ही को मिला करता, मगर माँ से कोई कैसे गिला करता, मेरी जा रिस्क की तकसीम में तफरीक का कानून तो सदियों पुराना है, विरासत बांटने वालों ने जो भी फैसला लिखा उसे हमने बजा जाना, विरासत बांटने वालों ने जो भी फैसला लिखा उसे हमने बजा जाना, ये औरत है कि जो औरत के हक में अब भी गूंगी है, ये औरत है, ये औरत है कि जो औरत के हक में अब भी गूंगी है, ये औरत है कि जो औरत की उम्मीदों की कातिल है, तो क्या तारीख खुद को यूं ही दोहराती रहेगी, तो क्या तारीख खुद को यूं ही दोहराती रहेगी, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये तेरा, ये तेरी जुर्रत इजहार, ये बिखरा हुआ लहजा यकीन मुझको दिलाते हैं तेरी बेटी को ये शिकवा नहीं होगा, तेरी बेटी को ये शिकवा नहीं होगा। ये नज्म सुनिएगा, टारगेट किलिंग। चूड़ी वाले के यहाँ मैं अभी स्टूल पर बैठी ही थी, हाय हाय, देखिए चूड़ी हमारे यहाँ कैसे रुमान का सिंबल है, सुहाग की अलामत है। चूड़ी वाले के यहाँ मैं अभी स्टूल पर बैठी ही थी, साथ की दुकान के आगे एक स्कूटर रुका, गोली चली, हमने फक चेहरों के साथ मुड़ के देखा, एक लम्हे के लिए बाजार साकित और स्कूटर रवाना हो गया, एक लम्हे के लिए बाजार साकित और स्कूटर रवाना हो गया, हल्की हल्की भिन भिनाहट सी हुई कुछ देर तक, और इन आंखों ने देखा बीच चौराहे पे औंधी लाश के नजदीक से लोग यूं आ जा रहे थे जैसे लेटा हो मदारी कोई चादर ओढ़ कर उन सब के बीच, जैसे लेटा हो मदारी कोई चादर ओढ़ कर इन सब के बीच, इस तरह के वाकयात अब रोज का मामूल हैं, हम तो आदि हो गए हैं क्या करें, चूड़ी वाले ने तहम्मुल से कहा, वैसे खतरा टल चुका है, आप मत घबराइए, हाथ को थोड़ा सा ढीला छोड़िए वरना चूड़ी हाथ में चुभ जाएगी।
हाय 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 हाथ को, हाथ को वैसे खतरा टल चुका है, इतना मत घबराइए, हाथ को थोड़ा सा ढीला छोड़िए वरना चूड़ी हाथ में चुभ जाएगी। मेरा ख्याल है काफी हो गया। एक गुलाब और कपास और पढ़ दीजिए। जी जरूर। खेत में नज्म का उन्वान, जैसा कि अभी आपने फरमाया, गुलाब और कपास। खेत में काम करती हुई लड़कियां, जेठ की चंपई धूप ने जिनका सोना बदन सुरमई कर दिया, जिनको रातों में ओस और पाले का बिस्तर मिले, दिन को सूरज सरों पर जले, ये हरे लान में संगमरमर की बिंचों पे बैठी हुई उन हसी मूरतों से कहीं खूबसूरत कहीं मुख्तलिफ, जिनके जूड़े में जूही की कलियां सजें, जो गुलाब और बेले की खुशबू पिएं, जो के रंगों की हिद्दत से पागल फिरें। हाय हाय। खेत में काम करती हुई लड़कियां भी नई उम्र की सब्ज दहलीज पर हैं, मगर आईना तक नहीं देखती। ये गुलाब और डेजी की हिद्दत से ना आशना, खुशबुओं के जवां लम्स से बेखबर, फूल चुनती हैं लेकिन पहनती नहीं। फूल चुनती हैं लेकिन पहनती नहीं, इनके मलबूस में तेज सरसों के फूलों की बास, इनकी आंखों में रोशन कपास। आए हाय। वाह 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 वाह। क्या खूबसूरत नज़्म, बेहतरीन नज़्म अफरीद साहिबा ने भी पेश की। हम सब लोगों ने समाप्त किया उसे। और ये जो तजुर्बा है हमारा सुनने का, ये कमाल हमारी अहद की उस कमाल शायरा ने, बड़ी शायरा ने, इशरत आफरीन साहिबा के जरिए हमें हासिल हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बड़ी नवाजिश, बहुत नवाजिश कि आपने इस महफिल को इस मुकाम तक पहुंचाया। आइए अब ये महफिल उस मकाम पर आप पहुंची है, उस मंजिल पर आप पहुंची है जहां हम बहुत इज्जत और अदब के साथ हमारे दौर के उस शायर को आवाज़ दे सकें, जिनके लिए अगर हम कहें कि लम्हों को लफ्ज बनाने का हुनर अगर हमारे अहद में चंद इक्का दुक्का शायरों को ये हासिल है, तो उसमें से एक नाम और बहुत अहम नाम जनाब फरहत एहसास का हो सकता है। मैं खुशी है कि आज वो इस हमारी महफिल में हैं। मैं बहुत इज्जत और अदब के साथ उन्हें इस महफिल में दावत कलाम देता हूँ। जनाब फरहत एहसास साहब हमारे सबसे अहम और बड़े शायर। पेश करता हूँ शायर। दिल भराता है तो वीरान बहुत होता है। दिल भराता है तो वीरान बहुत होता है, बाढ़ में शहर का नुकसान बहुत होता है। नुकसान बहुत होता है। क्यों ना ख्वाब हो रोती हुई आंखें मेरी, क्यों ना ख्वाब हो रोती हुई आंखें मेरी, कश्तियों पर भी तो सामान बहुत होता है। बहुत होता है। गैर मौजूद बहुत होता हूँ मैं महफिल में। क्या कहने, क्या बहुत होता हूँ जब महफिल में, गैर मौजूद बहुत होता हूँ मैं महफिल में,
जब मेरे नाम का ऐलान बहुत महफिल में आज के मुशायरे में भी यही हाल होता जब मेरे नाम का ऐलान बहुत होता है। अजीब शेर है, वाह वाह। शेर अर्थ है कि मेज पानी का सलीका ही नहीं है दिल को, मेजबानी का सलीका ही नहीं है दिल को, वरना वो आज भी मेहमान बहुत होता है। मेजबानी का सलीका ही नहीं है दिल को, वरना वो आज भी मेहमान बहुत होता है। और शेर यह है कि उसको इंसान ही समझते नहीं हम कम इंसान। महात्मा गांधी की नजर है जी जी जी, उसको इंसान ही समझते नहीं हम कम इंसान, कोई इंसान जो इंसान बहुत होता है। हाँ, कोई क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, हम कैसा मुश्किल मसला, कोई इंसान जो इंसान बहुत होता है, कोई इंसान जब इंसान बहुत होता है, वाह वाह, कम इंसान, वाह वाह, उसको इंसान ही समझते नहीं हम कम इंसान, कोई इंसान जो इंसान बहुत होता है, वाह 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 वाह। और एक चीज है कि शेर कहता नहीं ताउम्र हमारा शायर, हाँ मगर साहेब दीवान बहुत होते फिर से पढ़िए, बहुत अच्छा शेर, शायर आए हाय हाय, हाँ मगर साहेब दीवान बहुत होते, वाह 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 वाह, क्या क्या पंक्ति लाए हैं, क्या कह रहे हैं, कैसे निभाया है, क्यों इतना मचाते हो मुखरबिन का, शेर देखें शोर, क्यों इतना मचाते हो मुसलमानी का, खामोशी में भी तो ईमान बहुत होता है। बहुत अच्छा, शोर क्यों इतना मचाते हो मुसलमानी का, खामोशी में भी तो ईमान बहुत होता है, क्या कहने क्या कहने क्या कहने, खामोशी में भी तो ईमान बहुत होता है। बहुत अच्छा है, शोर क्यों इतना मचाते हो मुसलमानी का, खामोशी में भी तो ईमान बहुत होता है, का मोर्चा मत खोल अभी, जिस्म का मोर्चा मत खोल अभी, दिल को संभाल, जंग का एक ही मैदान बहुत होता है। संभाल, जंग का एक ही मैदान बहुत होता है, वाह वाह वाह। हर एहसास को दे जाए जो दम भर का विशाल, भरत एहसास को दे जाए जो दम भर का विशाल, जिस्म इतना भी मेरी जान बहुत होता है। भरत एहसास को दे जाए जिस्म इतना भी मेरी जान बहुत होता है, बहुत अंदर बहुत अंदर, दिल भराता है तो वीरान बहुत होता है, वार में शहर का नुकसान, शहर का नुकसान बहुत 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 अच्छा। और भाई वो तैयार हो रहा है, हाँ जनाब तैयार, वैसे तो आपका सारा कलाम ही है। और एक वो गजल मोहब्बत करके देखो ना, ये दो गजल सुनाई दिए, तैयार हो रहा है, ये दो मैं एक पेश कर देता हूँ कि जिंदगी आधी तो रोते हुए कट जाती है, जिंदगी आधी तो रोते हुए कट जाती है, और बाकी जो है सोते हुए कट जाती
क्या बात है, क्या सदा जिंदगी आधी तो रोते हुए कट जाती है, हाय 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 हाय, और बाकी जो है सोते हुए कट जाती है। क्या कहने, क्या काटिए क्या किसी ताबीर के हाथों से इसे, काटिए क्या किसी ताबीर के हाथों से इसे, फसल ख्वाबों की तो बोते हुए कट जाती है। ख्वाबों की तो बोते हुए कट जाती है। रोए किस वक्त कि आधे से ज्यादा तो ये रात, रोए किस वक्त कि आधे से ज्यादा तो ये रात, सिर्फ आंखों को भिगोने में भिगोते हुए कट जाती है। किस वक्त कि आधे से ज्यादा तो ये रात, सिर्फ आंखों को भिगोते हुए कट जाती है। क्या कहने, क्या 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 शेर है, वाह वाह। शायरी कैसी मुसाफत है कि मानी का तिलिस्म, शायरी कैसी मुसाफत है कि पानी का तिलिस्म चंद लफ्जों में पिरोते हुए कट जाती है। कैसी मुसाफत है कि मानी का तिलिस्म चंद लफ्जों लफ्जों में पिरोते हुए कट जाती है। क्या कहने, क्या कहने। हम नहीं हम बने, हम तो बने कैसे कि सारी उम्र जो नहीं होते वो होते हुए कट जाती है। बहुत आला, वाह वाह। बने हम तो बने कैसे कि सारी तो ये उम्र जो नहीं होते वो होते हुए कट जाती है। क्या कहने, क्या हाय 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 हाय, वाह वाह। और अब वो शेर सुना देता हूँ मैं, बहुत सी आंखें लगी हैं और एक ख्वाब तैयार हो रहा है। अच्छी गजल है, बहुत सी आंखें लगी हैं और एक ख्वाब तैयार हो रहा है, हकीकतों से मुकाबले का निसाब तैयार हो रहा है। तमाम दुनिया के जख्म अपने बयां कलम बंद कर रहे हैं, मेरी जमाने हयात का एक बाग तैयार हो रहा है। वाह वाह, तमाम दुनिया के जख्म अपने बयां कलम बंद कर रहे हैं, मेरी जमाने हयात का एक बाग तैयार हो रहा है। और ये शेर है कि बहुत से चांद और बहुत से फूल एक तजुर्बे में लगे हैं कब से, हाय हाय हाय, बहुत से चांद और बहुत से फूल एक तजुर्बे में लगे हैं कब से, सुना है तुमने कहीं तुम्हारा जवाब तैयार हो रहा है। बहुत से फूल एक तजुर्बे में लगे हैं, क्या कहने, क्या कहने, कहीं तुम्हारा जवाब तैयार हो रहा है। बाबा हमारी आंखों में बस गया है अजीब पंजाब आंसुओं का, हमारी आंखों में बस गया है अजीब पंजाब आंसुओं का, उधर से रावी चला इधर से चनाब तैयार हो रहा है। हमारी आंखों में बस गया है पंजाब आंसुओं का, क्या कहने, इधर से तैयार हो रहा है। इस इम्तिहान के सवाल आते नहीं निसाबों से मकतबों के, इस इम्तिहान के सवाल आते नहीं निसाबों से मकतबों के, अजीब आशिक है ये जो पढ़कर किताब तैयार हो रहा है। इम्तिहान के सवाल आते के, अजीब आशिक है ये कि पढ़कर किताब तैयार, अजीब
है जो पढ़कर ख्वाब हो तैयार हो रहा है। मैं जब कभी उससे पूछता हूँ कि यार मरहम कहाँ है मेरा, मैं जब कभी उससे पूछता हूँ कि यार मरहम कहाँ है मेरा, तो वक्त कहता है मुस्कुराकर, जनाब तैयार हो रहा है। मैं जब कभी उससे पूछता हूँ कि यार मरहम कहाँ है मेरा, तो वक्त कहता है मुस्कुराकर, जनाब तैयार हो रहा है। जरा जरा सी आंधियां जो दिलों दिमागों में चल रही हैं, ऐसी आंधियां जो दिलों दिमागों में चल रही हैं, इन्हीं हवाओं से मौसम इंकलाब तैयार हो रहा है। जरा जरा सी आंधियां जो दिलों दिमागों में चल रही हैं, इन्हीं हवाओं से मौसम इंकलाब तैयार हो रहा है। और एक शेर है इसमें भूल गया था मैं, कि पुरानी पुरानी बस्ती की खिड़कियों से मैं देखता हूँ तो सोचता हूँ, पुरानी बस्ती की खिड़कियों से मैं सोचता देखता हूँ तो सोचता हूँ कि ये नया शहर है जो कि ये जो नया नया शहर है बहुत ही खराब तैयार हो रहा है। तैयार हो रहा है, खुले हुए हैं फना के दफ्तर में सब अनासिर के गोशवारे, खुले हुए हैं फना के दफ्तर में सब अनासिर के गोशवारे की अब कि आसमानों पे अब जमी का हिसाब तैयार हो रहा है। पेश कर देता हूँ, तुम्हें उससे मोहब्बत है तो हिम्मत क्यों नहीं करते, तुम्हें उससे मोहब्बत है तो हिम्मत क्यों नहीं करते, किसी दिन उसके दर पर रक्स वहशत क्यों नहीं करते, तो हिम्मत क्यों नहीं करते, किसी दिन उसके दर पे रक्स वहशत क्यों नहीं करते, इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस किस से, इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस किस से, मोहब्बत करके देखो ना मोहब्बत क्यों नहीं करते, इलाज अपना कराते फिर रहे हो किससे, क्या कहने, मोहब्बत करके देखो ना मोहब्बत क्यों नहीं करते, तुम्हारे दिल पे अपना नाम लिखा हमने देखा है, आए हाय हाय तुम्हारी चीज फिर हमको इनायत क्यों नहीं करते, वाह 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 वाह, तुम्हारे दिल पे अपना नाम लिखा हमने देखा है, तुम्हारी चीज फिर हमको इनायत क्यों नहीं करते, और शेर है कि मैं अपने साथ जज्बों की जमात लेके आया हूँ, मैं अपने साथ जज्बों की जमात लेके आया हूँ, जब इतने मुक्तदी हैं तो इमामत क्यों नहीं करते, जब इतने मुक्तदी हैं तो नहीं करते, कैसा अलग अस्लूब है, बिल्कुल मुख्तलिफ, देखने के शौक में पर कयामत करने वालों अब कयामत क्यों नहीं करते, क्या कहने क्या कहने, कभी अल्लाह मियां पूछेंगे तब उनको बताएंगे, वाह किसी को क्या बताएं हम इबादत क्यों नहीं करते, क्या बताएं हम इबादत क्यों नहीं करते, क्या इसमें एक बहुत ही एक अजीब गरीब शेर है, इरशाद, तुम अपने होंठ आईने में देखो और फिर सोचो,
कि हम सिर्फ एक बोसे पर कनात क्यों नहीं करते। तुम अपने देखो और फिर सोचो एक बोसे पर कनात क्यों नहीं करते। मरतब किया है कुलियाते जख्म अगर अपना फिर एहसास जी इसकी इशारत क्यों नहीं करते। एहसास जी बहुत आला, बहुत अच्छा, क्या अशार पढ़े थे आप, क्या अशार है, क्या कहने, क्या कहने। इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस किस से, मोहब्बत करके देखो ना, मोहब्बत क्यों नहीं करते। आज दुनिया को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है तो वो है मोहब्बत। क्या खूबसूरत कलाम पढ़ा फरात एहसास साहब ने। मीर का एक शेर याद आता है कि दिल वो नगर नहीं कि फिर आबाद हो सके, दिल वो नगर नहीं कि फिर आबाद हो सके, पछताओगे सुनो हो ये बस्ती सुनो हो, बस्ती तभी आबाद रहेगी जब मोहब्बत उसमें बस्ती हो, मोहब्बत से सरशार हो हमारे दिल, पूरी दुनिया मोहब्बतों सरशार हो। आज के लिए हमें लगता है कि सबसे अहम दुआ यही है कि हमें दुआ करें कि इस मुश्किल दौर से पूरी दुनिया निकल के बाहर आए और दिलों में मोहब्बत हो, सबके अमन हो और तरक्की हो पूरी दुनिया की। मीर के इस शेर के साथ फिर से कि दिल वो नगर नहीं कि फिर आबाद हो सके, पछताओगे सुनो हो ये बस्ती उजाड़ के, ये दुआ भी है। इस दुआ को पढ़ते हुए और आमीन कहते हुए आप सब विदा लेते हैं और आप सबका शुक्रिया, बहुत आदाब, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।